नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका एयरटेल सिम है और आप अपने सिम में कॉलर ट्यून लगाए हुए हैं और आप उस कॉलर ट्यून को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने एयरटेल के सिम में कॉलर ट्यून नहीं लगाए और आप अपने एयरटेल में कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों अपने एयरटेल की सिम में कॉलर ट्यून लगाने के लिए या फिर कॉलर ट्यून चेंज करने के लिए यहाँ पे ओपन करते हैं प्ले स्टोर को। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है, तो यहाँ पे आप इस सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा विंक ऐप। यहाँ पे मैं विंक ऐप टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपने फोन में इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ओपन का। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओपन पे, तो दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा, इसलिए आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। आप जिस लैंग्वेज में अपनी सॉन्ग को कॉलर ट्यून को लगाना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं हिंदी और भोजपुरी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करें डन। अब दोस्तों एयरटेल में कॉलर ट्यून को चेंज करने के लिए या फिर नया कॉलर ट्यून सेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना होता है। मैं यहाँ पे अपना एयरटेल का नंबर इंटर कर रहा हूँ। नंबर इंटर कर देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे आपके फोन में एक ओपीटी आता है और ये ओपीटी आपके फोन में ये ऑटो फिलअप भी हो जाता है। जैसे मेरे फोन में ओपीटी आके और ये ऑटो फिलअप भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैसेज आ चुका है ओपीटी का और ये फिलअप भी हो चुका है, तो यहाँ से हम इसे कट करते हैं। अब दोस्तों हमें अपने कॉलर ट्यून को चेंज करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से अपने फोन में कॉलर ट्यून को लगा चुके हैं, तो यहाँ पे ये दिखला रहा है कि ये मेरा पहले का कॉलर ट्यून है। अगर आप इसे बदलना चाहें तो यहाँ से आप आ जाइएगा बैक, और यहाँ पे आपको काफी सॉन्ग मिलेगा। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी एक सॉन्ग को सेलेक्ट करके अपनी कॉलर ट्यून लगा सकते हैं या फिर अपनी कॉलर ट्यून को चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी खास सॉन्ग को कॉलर ट्यून बनाना चाहते हैं तो आप उस सॉन्ग का यहाँ पे आप नेम डाल के सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं डाला हूँ प्रेम रतन, तो यहाँ पे प्रेम रतन से संबंधित जितने भी सॉन्ग हैं यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इस सॉन्ग पे अगर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑटो सॉन्ग प्ले होने लगता है। आप चाहें तो इसे आप सुन भी सकते हैं। और इसके बाद इसका हेलो ट्यून लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हेलो ट्यून का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिख रहा है एक्टिवेट फॉर फ्री। अगर दोस्तों आपके फोन में कोई पहले से हेलो ट्यून है तो वो चेंज होके फिर ये हेलो ट्यून वहां पे लग जाती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक्टिवेट फॉर फ्री पे, और ये मेरा हेलो ट्यून अब लग चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंग्रेचुलेशन, तो मेरे फोन में अब ये हेलो ट्यून चेंज हो चुका है और उसका ये मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे एयरटेल में हेलो ट्यून को चेंज करके एक नया हेलो ट्यून लगाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।